पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें चाहिए एक टमाटर, कॉर्न, एक अनियन, एक शिमला मिर्च, ऑरिगैनो, ऑरिगैनो ना हो आपके पास तो आप काली मिर्च का यूज़ कर सकते हैं, लाल मिर्च, पिज़्ज़ा बेस, पिज़्ज़ा सॉस, सॉल्ट और चीज़। पिज़्ज़ा बनाने के लिए एक पैन ले लेंगे। पैन में जो हमने ये नमक लिया था इसको फैला के डाल देंगे। नमक को फैला लिया है, अब गर्म होने के लिए इसको सिमक पे रख देंगे ढककर। पिज़्ज़ा सॉस इस पिज़्ज़ा बेस पे स्प्रेड कर देंगे। पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड हो गई है, अब इस पे हम वेजिटेबल्स डाल देंगे। इसमें आप वेजिटेबल्स अपनी मर्जी से जो मर्जी ले सकते हैं, ऑलिव्स डाल सकते हैं, मशरूम डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं रोस्ट करके। अब इस पे चीज़ स्प्रेड कर देंगे। इसके ऊपर थोड़ी सी ऑरिगैनो डाल देते हैं, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। अब लिड को हटाएंगे, देखेंगे सॉल्ट हमारा गर्म हो गया है। पिज्जा को बेक करने के लिए या तो हमें स्टैंड चाहिए होगा, कई बार देखा जाता है कि हमारे पास स्टैंड अवेलेबल नहीं होता किसी के पास, तो उसके लिए हम एक कटोरी का इस्तेमाल करेंगे जो इसके सेंटर में रख देंगे। प्लेट ऐसी लीजिएगा जो इसके बीच में आ जाए, इसके ऊपर हम पिज्जा बेस रख देंगे और ये प्लेट इस कटोरी के ऊपर रखेंगे। ध्यान से रखिएगा, नमक गरम है और इसको हम लिड से ढक देंगे। इसको 6 से 7 मिनट सिम गैस पे इसको रख देंगे। 8 से 10 मिनट हो गए हैं, अब लिड को खोल के देख लेंगे कि चीज मेल्ट हुई है कि नहीं। देखेंगे चीज बहुत अच्छी से मेल्ट हो चुकी है, अब पिज्जा को इसमें से बाहर निकाल लेंगे।